बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है। शराब पकड़ी जाती है तो इसके धंधेबाज में पुलिस में की गिरफ्त में आते हैं। पकड़ी गई शराब की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उसे नष्ट भी किया जाता है। परसा पुलिस थाना द्वारा पकड़ी गई लगभग 7,000 लीटर देशी शराब और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में परसा थाना पुलिस ने किया है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी कुश सिंह ने बताया कि विभिन्न कांडों में थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से जब्त 1919 लीटर अंग्रेजी शराब और 4,914 लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर कुश सिंह ने सोनपुर अंचल पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम सिंह, परसा सीओ अखिलेश चौधरी, थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार की मौजूदगी में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इसका बाजार मूल्य लगभग लाखों रुपए बताया जा रहा है। कितना शराब विनिष्टीकरण किया गया है और कौन कौन सी शराब है? देखिए, ये परसा थाना के अंतर्गत विनिष्टीकरण हो रहा है आज, और इसमें देसी कुल मिलाकर लगभग 4,900 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण हुआ है, और इंग्लिश है 1919 लीटर लगभग विदेशी शराब, जिसमें झारखंड का कुछ ब्रांड है और डेनिस नाम का एक विदेशी शराब है, और नेट डबल इस नाम का।